Welcome back, students. In last video, we have discussed about units and measurements and how the things are measured and in which system, which quantity we will measure and how can we change the one system of unit into another system of units. Now, the first chapter of our syllabus is motion. And now I am going to explain some basic things about this chapter. So before starting motion, now I am going to explain state of rest or rest. It means that if a body does not change its position with respect to time, then we can say that the body is in rest. If this is the body, it is here. In 1 hour, body is here. In 2nd hour, body is also here. In 3rd hour, body is also here. So body is not changing its position with respect to time, so we can say that the body is in rest. Like our school is in rest, chairs in our room is in rest, television is in rest. So these are the examples of rest. Now next thing is motion or state of motion. So if a body is changing its position with respect to time, like in 1st hour body is here, in 2nd hour body is here, in 3rd hour body is here, so this is the point of reference, and with respect to this point the body is changing its position with respect to time. Like 1st hour body is here, in 1 hour body is moves this distance, in another hour body moves this distance. So we can say that the body is in motion. Like agar hum apne ghar se school ke liye ja rahe hain to wo kya hoga, motion hoga. Like fan is rotating, fan rotate kar raha hai, ek jagah se dusri jagah to nahi ja raha hai, lekin ha फैन अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है. तो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कितने टाइप का मोशन होता है. तो लाइक फैन कैसे चल रहा है या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी पोजीशन चेंज करती हैं अपने टाइम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो चीजें सारी की सारी मोशन. इज इट क्लियर? तो आई थिंक रेस्ट और मोशन दोनों चीजें क्लियर हो ही गई होंगी. मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, पॉइंट ऑफ रेफरेंस. इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टेड टू मेजर द मोशन, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस. मान लिया हमने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, हम अपने घर से एक ये हमारा मान लिया, ये एक स्टूडेंट आर्यन, ये आर्यन का घर है और ये मोहित का घर है, ठीक है. तो अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस इस पॉइंट को आर्यन के घर को लेते हैं और आर्यन ने यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया और वो यहाँ से 550 मीटर मूव करके मोहित के घर तक जाता है, तो हम कह सकते हैं कि आर्यन ने मोहित के घर तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो अब हम जो जितने भी मोशन मेजर करेंगे वो यहाँ से मेजर करेंगे. मान लिया इसने 50 मीटर और मेजर किया, इसने 50 मीटर मूवमेंट किया, तो अगर हम दोनों की जो पोजीशन है वो रेफरेंस पॉइंट से देखें तो वो कितना हो जाएगा, ये दोनों के दोनों रेफरेंस पॉइंट से 100 मीटर के डिस्टेंस पर होंगे अगर दोनों यहाँ चले जाते हैं. तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम मोशन को मेजर करना स्टार्ट करते हैं, या हम जब भी मोशन का मेजरमेंट कर रहे होते तो हमें रेफरेंस पॉइंट देना होता है. लाइक अगर हमने किसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर है, तो मतलब सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ से दिल्ली कितने किलोमीटर है, तो ये क्वेश्चन तो सही होगा. लेकिन अगर कोई पूछ ले दिल्ली कितना किलोमीटर है, तो उसने रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया, उसने ये तो पूछ लिया कि दिल्ली कितना किलोमीटर है, लेकिन जब तक वो रेफरेंस पॉइंट नहीं देगा कहाँ से, हरिद्वार से, तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि दिल्ली यहाँ कितना दूर है. तो इसके लिए मतलब कभी भी जब भी हम मोशन कर रहे होते हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. विदाउट रेफरेंस पॉइंट वी कांट मेजर द मोशन.
और एनीथिंग लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अभी आगे आने वाले हैं, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और आती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आगे बढ़ेंगे फिजिक्स में कभी, तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है वहां पे, यहाँ एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम पूरा का पूरा मोशन मेजर करते हैं। लाइक अगर कोई एक पर्सन बस में जा रहा है और कोई एक पर्सन कार में जा रहा है, तो बस जो पर्सन बस के अंदर है उसके लिए बस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, और जो पर्सन कार के अंदर है उसके लिए एक कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अगर हम अर्थ पर हैं और कोई एक पर्सन रॉकेट में जा रहा है, तो रॉकेट उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, अर्थ हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच रिलेटिव मोशन हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी में भी आगे बढ़ेंगे क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम किसी भी मोशन को मेजर करते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या होगा, जैसे कि लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होगा, द मोशन विच इज इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइक अगर हम किसी अपने घर से किसी एक पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लीनियर मोशन हो जाएगा। सेकंड होगा कर्विलीनियर और कर्विलीनियर मोशन। कर्विलीनियर का मतलब हो जाएगा हम स्ट्रेट भी चले, हम टर्न किए, फिर टर्न किए, फिर टर्न किए, फिर टर्न किए। तो हमारा क्या होगा कि अगर हम स्ट्रेट भी चल रहे हैं और कर्व भी कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट, जैसे कि अगर हम घर से स्कूल तक जाए तो अगर सीधे सीधे चलेंगे तो कहीं जाकर के टकरा जाएंगे। तो इस मतलब इसके लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ टर्न आता है हम टर्न लेते हैं, और जहाँ स्ट्रेट रोड होती है वहाँ पे स्ट्रेट भी चलता है, और रोड पे भी ओवरटेक करने के लिए हम इधर उधर से मूवमेंट करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं कर्विलीनियर मोशन। थर्ड वन होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब अगर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ कोई एक बॉडी रोटेट कर मतलब घूम रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। इफ अ बॉडी इज सर्कुलेटिंग, if a body is moving on a circular path, then we can say that type of motion is known as a circular motion. Next one is rotational motion. वैसे तो कुछ books में दिया होता है कि circular rotational एक ही होता है, लेकिन ये दोनों एक नहीं होते हैं। वो कैसे, सर्कुलर का मतलब होता है कि जैसे कार अगर किसी एक सर्कुलर पार्क में चारों तरफ घूम रही है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लेकिन रोटेशन का मतलब होगा कि अगर कोई चीज अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करे, लाइक फैन रोटेट करता है, फैन कहीं मूवमेंट करके नहीं जाता, लेकिन फैन जो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है कुछ इस तरह से, तो फैन क्या होगा, अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो इसलिए इसका मोशन क्या होगा, रोटेशनल मोशन। द मोशन विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलोंग द फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज नोन एज द रोटेशनल मोशन। फिफ्थ वन इज वाइब्रेशनल और ऑस्किलेटरी मोशन। वाइब्रेशनल और ऑस्किलेटरी मोशन मीन्स द टू एंड फ्रो पोजिशन, अपनी मेन पोजिशन के अलॉन्ग अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे किसी को हम झूला झुलाते हैं, तो झूला झुलाते टाइम क्या होता है कि पहले वो आगे जाता है, फिर वापस लौट के आता है, फिर आगे जाता है, फिर वापस लौट के आता है, तो दैट विल बी द ऑस्किलेटरी मोशन। तो ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी में अंतर क्या है, जब बहुत स्मॉल लेवल्स पर होता है, जैसे कि अगर हम किसी ड्रम को बीट करें, तो उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है मेम्ब्रेन में, तो उस वाइब्रेशन को हम काउंट नहीं कर सकते। तो बहुत स्मॉल लेवल पर जो होगा वो वाइब्रेशनल होगा, और जो बड़े लेवल पर होता है जिसको हम एक तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो वो ऑस्किलेटरी हो जाता है। तो वैसे दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, दोनों की ही डेफिनेशन एक होती है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ऑस्किलेटरी मोशन। तो ये तो थे पाथ के ऊपर डिपेंड, लेकिन अब मोशन के भी और दो पार्ट होते हैं। वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस मेजर करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट द बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये फर्स्ट ये जीरो सेकेंड है,
ये फर्स्ट सेकंड है, ये 2 सेकंड्स है, ये 3 सेकंड्स है, ये 4 सेकंड्स है। मतलब फर्स्ट सेकंड 0 सेकंड पे बॉडी यहाँ रेफरेंस पॉइंट पर थी, उसने 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 1 से 2 तक अनदर 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर 1 अनदर सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर अनदर 1 सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रेवल किया। तो यहाँ बॉडी इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो वी कैन से दैट द बॉडी इज इन uniform motion. But while we are studying about non-uniform motion, then we can say that if a body covers unequal distances in equal interval of time like 0 second, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, in first second it travels 7 meter, in another 1 second it travels 2 meter, in another 1 second it travels 8 meter, in another 1 second it travels 5 meter. So, if a body travels unequal distances in equal interval of time, then we can say that the body will be in non-uniform motion. Means, इसने यहाँ first second में 7 meter move किया, another 1 second में 2 meter move किया, फिर another 1 second में 8 meter move किया, फिर another 1 second में इसने 5 meter move किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि this type of motion will be of non-uniform motion. तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट भी क्लियर हुए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ तक वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ओनली बेसिक्स है। जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो मैं टाइम टू टाइम अभी बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि इस बार के फिजिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और जो थोड़ा सा टिपिकल तुम लोगों को लगेगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और अगर हमें मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना आती है, तो हम न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है न्यूमेरिकल से। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड सेकंड थिंग इज दैट ऑल द मैथमेटिकल इक्वेशंस यू शुड अवेयर अबाउट दैट। सो नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, that is very most important part of this chapter, distance. Distance means, मान लिया किसी को घर से कोई बाइक मिल जाती है और उसे यहाँ अपने घर से और मार्केट जाना है शॉप, तो वो कभी भी सीधे सीधे जाएगा नहीं, सबको पता है बाइक है उसके पास, मुश्किल से तो मिलती है घर वालों से, तो वो घूमते घूमते जाएगा, ठीक। अब जो ओडोमीटर ने, ओडोमीटर क्या होता है, सबसे पहले चीज, बाइक के अंदर हमारे 2 मीटर होते हैं, एक इस तरह से यहाँ डिस्टेंस दिखाता है और दूसरा स्पीड दिखाता है। तो जो यहाँ पर मीटर, मतलब यहाँ पर जो नंबर चल रहे होते हैं, ये क्या होता है, ओडोमीटर होता है, ये स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर ऑलवेज टेल्स अस द स्पीड एंड ओडोमीटर विल टेल्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। तो अब जो इसने एक्चुअल लेंथ ट्रेवल की, सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, वेयर इनिशियल पोजिशन इज होम एंड फाइनल पोजिशन इज शॉप। तो इनिशियल और फाइनल के बीच जो एक्चुअल लेंथ उसने ट्रेवल की है, ये तो ये जो एक्चुअल लेंथ होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस का मतलब होगा एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज नोन एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तो मान लिया यहां से इस बच्चे ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो मतलब जो एक्चुअल लेंथ थी ये कितनी थी, ये 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई, 7 किलोमीटर। अब यहीं पर मैं डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर कर देता हूं। डिस्प्लेसमेंट मीन्स द स्ट्रेट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ हियर वी कैन से दैट द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड द शॉप इज दिस स्ट्रेट डिस्टेंस। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी दो प्लेस या दो पॉइंट के बीच की हो सकती है, वो स्ट्रेट डिस्टेंस ही हो सकती है। इज दैट क्लियर? नाउ वी कैन से इफ दिस डिस्टेंस इज गिवन 4 किलोमीटर,
अगर घर से सीधी डिस्टेंस शॉप की 4 किलोमीटर थी, लेकिन वो बच्चा घूम घूम के कितना 7 किलोमीटर ट्रेवल करके गया था, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड, दैट इज 4 किलोमीटर। तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर हो गई और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, एंड द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज द डिस्टेंस। अब और क्या क्या डिफरेंस है, कई बार यहाँ से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। डिस्टेंस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इनपे बहुत सारे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो मैं भी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब हम आगे बात करते हैं और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, दिस कैन नेवर बी जीरो, कैन बी जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब क्या होगा कि डिस्टेंस देखो, अब अगर हम यहाँ से घर से कहीं तक जाएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि डिस्टेंस जीरो होता है। चलो सपोज एक चीज और, एक एग्जांपल लो लेते हैं, सर्कुलर पाथ पर हम चले गए, हम यहाँ से ए से चल करके वापस ए तक आ गए। मान लिया हमने डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ कवर की थी 500 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 500 मीटर। तो अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, सर्कुलर पाथ पर हम चल रहे थे, हम ए से चले और वापस ए पर आ गए, तो अगर हम जिस पोजीशन से चलते हैं उसी पर वापस लौट करके आ जाते हैं तो क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हमने एक राउंड किया है तो 500 मीटर, और टू कंप्लीट राउंड किया है तो 1000 मीटर। ऐसा नहीं होगा कि हाँ डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि जिस पॉइंट से हम चले थे उसी पॉइंट पर वापस आ गए, और अपने ही से अपने ही पॉइंट की दूरी कई बार मतलब हमेशा क्या होती है, जीरो। अगर ए पॉइंट है इससे चले इसी पर वापस आ गए तो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया कि जो डिस्टेंस है वो जीरो क्यों नहीं होता और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो क्यों हो सकता है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बचा वो भी आगे बताएंगे। अब बात आती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की, तो चलो पहले इसको, चलो फर्स्टली नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो चीजें किसी चीज को मेजर मतलब किसी भी क्वांटिटी को मतलब जो मेजर हो सके उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे कि स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, दीज ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। अब बात आती है कि अगर हम कहें लाइट, लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ लाइट, दीज विल बी द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट द लाइट। अगर हम साउंड के बारे में बात करें,
can sound be a physical quantity? No, sound will not be a physical quantity. Amplitude, frequency, energy of sound, intensity of sound, these will be the physical quantities. So physical quantities can be categorized in between two parts, scalar quantities or vector quantities. Scalar quantities are only those quantities which have magnitude only. Like agar hum mass ki baat kare, to mass ka matlab kya ho jayega? Mass kisi body ka humne measure kiya, to hum seedha seedha likh dete hain 5 kg. Hum work agar measure kar rahe hain, to work kitna maan liya kisi body ne yahan se yahan tak jaane mein 10 joule work kiya, theek hai. Uske baad agar hum baat karte hain डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा 5 meter या 50 meter. तो इन सभी क्वांटिटीज में क्या कभी ऐसा लिखा हुआ कहीं पर देखा है कि मास 5 किलोग्राम टुवर्ड्स द अर्थ, मास 20 किलोग्राम इन अपर डायरेक्शन? तो मास की कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती. लेकिन हाँ, अगर मैं किसी गेट को या अगर मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, तो इसका मतलब फोर्स की क्या डायरेक्शन है, वो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो बोर्ड की तरफ होगी. अगर मैं बोर्ड को पुल कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि बोर्ड की जो मतलब फोर्स की जो क्या डायरेक्शन है. इसका मतलब जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं. तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या आ गया, लाइक एज फोर्स. सबसे पहले जिस फोर्स को डिफाइन करते हैं, क्योंकि फोर्स हम डेफिनेटली डेली लाइफ में लगाते हुए रहते हैं. हम अपने गेट को खींचते हैं पकड़ के और गेट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, इन सभी में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. और फोर्स की हमेशा क्या होगी, डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन साउथ, इन नॉर्थ, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो फोर्स की कोई ना कोई एक डायरेक्शन होगी. तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है और स्पीड डिस्टेंस की वजह से. तो स्पीड में हम स्केल मतलब डिस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वो स्केलर है. वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है. तो अब आई थिंक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में समझ में आ गया होगा. जहां भी आगे न्यू क्वांटिटीज आएंगे, उनके बारे में हम बताते जाएंगे कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है. तो स्केलर और वेक्टर आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा. तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी तो अच्छे से क्लियर हुआ. अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. लाइक ये हमारे लिए कोई एक पाथ था, हमने ये रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. जनरली हमने सिर्फ डिफाइन करने के लिए ये चीज ली है. मान लिया कोई एक बॉडी 1 से 4 तक जाती है, तो ये क्या होगी इसके लिए, x F, ये क्या हो जाएगा, XI. XF का मतलब फाइनल पोजीशन, XI का मतलब इनिशियल पोजीशन. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू XF माइनस XI. मतलब रेफरेंस पॉइंट हमने ये पॉइंट माना था ना, अब बॉडी अगर 1 से चल रही है तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे. तो कंडीशन क्या होगी कि 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1 = 3 meter. मान लिया ये सब मीटर में थे, तो हमने क्या लिख दिया, 3 meter लिख दिया. अगर हम एरो चेंज कर दें लाइक दिस, इफ अ बॉडी कम्स एक्स एफ टू एक्स आई, मतलब अब क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएंगे, मतलब 4 से इधर की तरफ आए, तो ये क्या हो जाएगा, XI हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, XF हो जाएगा. इसके केस में अब क्या लिखेंगे, 1 - 4 = -3 meter. Why this sign changes? Distance तो उतनी की उतनी है, यहाँ से 4 माइनस 1 कर दो, 1 माइनस 4 मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच में 3 मीटर ही आएगा, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन क्या तुमने एक चीज देखी, यहाँ पर पहले डायरेक्शन ये थी और अब डायरेक्शन चेंज हो गई. जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, डायरेक्शन चेंज करने पर
उनका साइन चेंज हो जाएगा. ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन द साइन कन्वेंशन विल बी चेंज फॉर ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज. मीन्स इफ डिस्प्लेस इफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी चेंज देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी इन नेगेटिव. सीधा सीधा यहाँ पर लिख रखा है. ठीक है, अगर हमारी बॉडी 4 से -1 तक जाती है, इस केस में हम क्या करेंगे, 4 से अगर -1 तक जाती है तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स आई इनिशियल से एक्स एफ फाइनल तक जा रही है ना, तो क्या करेंगे -1 -4. मैंने जैसा कि पहले कहा हुआ है कि इस टर्म को या फिजिक्स को बहुत स्मूथली पढ़ने के लिए यू शुड अवेयर अबाउट द मैथमेटिकल टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रैक्शन एंड लॉ आइडेंटिटीज. ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फर्स्ट रीड दैट दिस थिंग्स एंड देन कम्स टू दिस वीडियो. तो -1 -4 तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -1 -1 प्लस हो जाएगा +4, तो कितना हो जाएगा 3 meter. इसी की अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें बेटा तो क्या होगा, यहाँ से ये एक्स आई की जगह एक्स एफ आ जाएगा, एक्स एफ की जगह एक्स आई आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, दैट विल बी -4 -1. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -4 + 1, ये कितना आ जाएगा -3 meter. तो इतना तो क्लियर हो गया होगा अब इतने एग्जाम्पल से कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव कैसे हो सकता है. अगर हम एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकें तो जब वो हमारे हाथ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तब उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव में होगा, लेकिन जैसे ही वो वापस लौट करके आती है, अगर वो वापस हमारे हाथ में लोड करके आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0. लेकिन अगर हम छत पर खड़े हुए हैं और हमने कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी है और वो हमारे हाथ से स्लिप होकर के नीचे चली जाए, तब उस कंडीशन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा. मतलब तुम कहीं यहाँ पर खड़े हो, तुमने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, पहले वो यहाँ तक गई, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के बाद वो तुम्हारे पास तक आई और वापस नीचे चली गई, तो अब इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. मींस अगर स्कूल में गैलरी में कोई एक बच्चा अपनी क्लास मतलब ग्राउंड जाता है पानी पीने के लिए, वापस जब वो लौट कर गया था वो अपनी क्लास से पीछे वाली क्लास में चला जाता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. इज इट क्लियर? तो इतना एग्जाम्पल्स के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में क्यों आता है. So now I'm going to explain some examples, numerical example for related to distance or displacement. जब भी आते हैं दोनों के क्वेश्चन लगातार लगभग साथ में ही आते हैं. तो सबसे पहला केस होगा, अगर हम बात करें फर्स्ट केस, अगर कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम 2πr, क्योंकि सबसे पहली चीज अगर हम सर्कल के चारों तरफ मूव कर रहे हैं तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, वो उसके सर्कमफेरेंस होती है. तो डिस्टेंस अगर सर्कल के चारों तरफ कोई एक कंप्लीट राउंड कर लेता है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 2πr हो जाएगा. अगर मान लिया वो ए से चल करके बी पर रुक जाता है, मतलब उसने आधा पार्ट कंप्लीट किया, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1/2 × 2πr, दैट इज पाई आर. अगर कोई भी इसका 3/4 या 1/4 ये सी पार्ट था, ये डी पार्ट था, मतलब एक सर्कल को हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगर वो ए टू सी अगर वो डिस्टेंस, चलो इसको डी मान लेते हैं, ए टू बी डिस्टेंस, ए टू सी डिस्टेंस, ये ए टू बी हो जाएगा, ये A to A कंप्लीट करने पर ये A to B हो जाएगा, ये डिस्टेंस A to C कितना हो जाएगा 1/4 × 2πr, क्योंकि 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहा है सर्कल का, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा πr/2 d A to d, ये कितना
3/4 पार्ट ट्रेवल कर रहा है। अगर फ्रैक्शन नहीं जानते हो तो एक बार फ्रैक्शन पढ़ो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ये 1, 2, 3 मतलब उसने सर्कल के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए, इसलिए मैंने 3/4 लिखा है। सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था ना, इनटू 2πr इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2π 3πr अपॉन 2, क्योंकि इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 3πr अपॉन 2। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में जो मतलब ए टू बी के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, ये टिपिकल केसेस हैं, इनको अभी हम हटा देते हैं, जब कभी न्यूमेरिकल आएगा तब डिस्कस करेंगे। अगर हाफ सर्कल में मतलब वो ट्रेवल कर रहा है तो स्ट्रेट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी ना। अगर उसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया है, मतलब कोई भी सर्कुलर पाथ पर बॉडी ट्रेवल कर देती है, वो ए से बी तक यहाँ तक चली जाती है, मतलब उसने आधा पार्ट ट्रेवल किया, हाफ पार्ट ट्रेवल किया, तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो 2 × r या फिर डायमीटर के इक्वल होगा। तो अगर सर्कल का कोई भी आधा पार्ट कंप्लीट करता है देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू डायमीटर। सो इफ एन कंप्लीट, अगर कोई कंप्लीट पार्ट मतलब पूरा सर्कल ट्रेवल कर लेता है तो ए पर था, ए पर ही वापस आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये तो सर्कल का केस था। नेक्स्ट आगे अगर हम रेक्टेंगल का केस करें तो रेक्टेंगल के केस में भी यही होगा कि जब वो रेक्टेंगल की चारों तरफ मतलब एक तरीके से पेरीमीटर के चारों तरफ मतलब यहाँ से ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से ए तक आ गया, तो अगर वो ए से चल करके वापस ए पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ए टू ए, अगर वो ए से चल करके वाया मतलब ए से चल करके ए पर ही वापस आ गया तो कितना हो जाएगा, 2 × l + b पेरीमीटर, सीधा सा हिसाब है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अगर वो ए से बी तक गया, बी से सी तक आ गया, मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जो पहला वाला केस था, 0 हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या, वो ए से बी तक गया, बी से सी तक अगर भी यहां रुक गया वो, तो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, मान लिया ये ए टू बी था और बी से सी था, तो ए बी प्लस बी सी ये हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो स्ट्रेट डिस्टेंस ए के और सी के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस क्या होगी, डायमीटर, और किसी भी रेक्टेंगल का डिस्प्लेसमेंट है, किसी भी रेक्टेंगल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वही हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी की जगह अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर के लिए हम क्या कर देते, साइड रूट 2, साइड अंडर रूट 2 अगर स्क्वायर होता। तो बाकी सारी कंडीशंस हम सेम करेंगे, अगर वो ए से चला बी तक, बी से चला सी तक, सी से चला डी तक, तो इस केस में जो कंडीशन होगी ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा, जो डिस्टेंस होगा वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पता ही है सबको क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एडी, द डिस्प्लेसमेंट विल बी एडी। तो ये सारी चीजें हमने आज इसमें कवर अप की। एक बार मैं समरी फर्स्ट टॉपिक इज रेस्ट। रेस्ट मींस इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम देन इट विल बी इन रेस्ट। देन मोशन, अगर बॉडी टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजिशन चेंज कर रही है तो वो मोशन में होगी। फिर टाइप्स ऑफ मोशन है, उसके बाद आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसमें अगर हमने इतना टॉपिक कवर अप कर लिया है तो हमारा कम से कम इतना हो जाएगा कि इन दो टॉपिक से डेफिनेटली एक क्वेश्चन नाइन्थ के हर एग्जाम में आ जाता है।
तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मींस स्टार्टिंग के दो टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। मोशन और रेस्ट से बहुत कभी रेयर केस में क्वेश्चन आ जाता है, बाकी नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा।